देश की राजधानी दिल्ली, जहां दो हफ्ते पहले अभी G20 शिखर सम्मेलन के चलते इतनी सुरक्षा थी कि कई इलाकों में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां एक व्यस्त बाजार में दो हफ्ते बाद रविवार और सोमवार की किसी एक रात 21 करोड़ रुपए की चोरी हो गई। रविवार और सोमवार को दुकान बंद थी, इसलिए अभी यह पता नहीं चल पाया है कि चोरी किस रात को। यह चोरी यहां जंगपुरा के भोगल इलाके के बाजार में गहनों की एक पुरानी दुकान उमराव सिंह ज्वेलर्स के यहां हुई। सन 48 में स्थापित यह दुकान 3 मंजिला है। इसके आसपास और भी दुकानें हैं और कई घर हैं। चारों ओर से आप ये देख सकते हैं, ये दुकान जो है वो घिरी हुई है। एक तरफ फ्लैट, दूसरी तरफ फ्लैट, नीचे दुकान, ऊपर मकान, ये सारी चीजें। तो जो चोर थे, उन्होंने इस दुकान के ग्राउंड फ्लोर पर लगे डिस्प्ले से गहनों को चोरी किया और फिर वहीं बने स्ट्रॉन्ग रूम को तोड़कर उसमें रखे सोने और हीरों के कीमती आभूषणों को भी लेकर फरार हो गए। स्ट्रॉन्ग रूम में अक्सर अच्छी क्वालिटी वाला रहता है, इसी वजह से तो स्ट्रॉन्ग रूम में रहता है। चोरों ने चोरी से पहले CCTV सिस्टम के तारों को काट दिया, नष्ट कर दिया उसका डिब्बा जिसमें रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग डिवाइस बर्बाद कर दिया। चोरों ने 10 से 15 लाख का कैश भी चोरी कर लिया है। हाल के समय में दिल्ली में सेंधमारी और लूट की ये सबसे बड़ी घटना रही। चोरों ने इस घटना को बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया। ऐसे ही कई वाक्य आपने TV या फिल्मों में जरूर देखे होंगे। यहां सेंधमारी और लूट की इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया है, इसके लिए पुलिस ने NDTV को जो जानकारी दी है, जो हमें पता चली है, उनसे जो जानकारी हमको मिली है, उसके माध्यम से हमने एक एनिमेशन बनाया है और हम एनिमेशन के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि हुआ क्या होगा। अभी तस्वीरों में हमने आपको जो बाजार दिखाया, ये है जंगपुरा के भोगल बाजार की सेंट्रल रोड। इसकी बाईं ओर जनता यूनिफॉर्म स्टोर और कई घर है, और दूसरी तरफ अमर बेकरी एंड केक शॉप और एक घर है। इनके ठीक पीछे कुछ दुकानें हैं और कुछ घर हैं, लेकिन बीच में ये जो पैच है, इसमें बीच में है उमराव सिंह ज्वेलर्स शॉप, एकदम बीच। पुलिस के मुताबिक 3 से 4 चोर इस ज्वेलरी शॉप में सेंधमारी के लिए पहुंचे। ये पहले करीब की एक छत पर जमा हुए। अभी ये साफ नहीं है कि कौन सी छत थी, किस तरफ से, पीछे से आए थे, साइड से आए थे, वो सब जांच का विषय है, लेकिन इकट्ठा हुए। लेकिन ये मानना है, पुलिस का ये मानना है कि ये करीब 3 से 4 लोग हैं और ये किसी की छत पर जमा होकर के और उसके बाद उमराव ज्वेलर्स की छत पर कूद गए, वहां पर कूद करके, फांद करके ये छत पर आ गए। यहां से उन्होंने छत पर खुलने वाले दरवाजे का ताला जो है उसको तोड़ दिया और सीढ़ियों के रास्ते से वो नीचे आने लगे। जैसे इस एनिमेशन में आप देख रहे हैं, दरवाजा खुल गया, अब वो नीचे आ रहे हैं सीढ़ियों से। पुलिस ने यह भी बताया है कि इसी दौरान उन्होंने दुकान के अंदर जो CCTV और रिकॉर्डिंग डिवाइस थे उनको नष्ट कर दिया गया। फुल फ्रेम जाते हैं जरा इस एनिमेशन पर, कैमरे पर यह सब रिकॉर्ड ना हो ऐसा उन्होंने कोशिश की, तो छत का दरवाजा तोड़ करके अंदर घुसे। चोर इसके बाद ज्वेलरी शोरूम के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे। ज्वेलरी शॉप जब खुलती है तो खरीदार सबसे पहले यही आते हैं। यहां किसी भी अन्य ज्वेलरी शॉप की तरह डिस्प्ले पर जो गहने लगे होते हैं उनको हटा दिया गया, उनको लूट लिया गया। डिस्प्ले पर लगे इन गहनों को लूटने के बाद उनको ये लगा कि नहीं, अब थोड़ा और आगे बढ़ा। इसके बाद उनकी नजर इस दुकान के असली खजाने पर गई, जो कि स्ट्रॉन्ग रूम में रहती है। देखिए, हर ज्वेलरी के ज्वेलर स्टोर के पास इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग रूम रहता है, बड़ा सा दरवाजा होता है, पूरा आयरन का बना हुआ। तो वो उस स्ट्रॉन्ग रूम की ओर गए। ज्वेलरी शॉप के मालिकों ने यह स्ट्रॉन्ग रूम काफी मजबूत बनवाया था। इस स्ट्रॉन्ग रूम की 4 दीवारें हैं, जिनमें से 3 दीवारें मोटे लोहे की चादर से बनी हुई थी। दाईं ओर लोहे की एक दीवार अमर बेकरी की दीवार के साथ लगती है और 2 आगे और पीछे की तरफ हैं, एक पीछे की तरफ लोहे की दीवार और एक आगे दुकान। लेकिन जो चौथी दीवार थी, जो बाईं ओर अंदर सीढ़ियों के साथ है, वो सीमेंट और कंक्रीट की बनी हुई थी, वो आयरन की नहीं थी, लोहे की नहीं थी। दीवार भी काफी मोटी थी लेकिन फिर भी वो सीमेंट की थी,
और शायद ये जानकारी इन चोरों को थी, जिस वजह से उन्होंने हथौड़ा लेकर के इसी दीवार पर चोट मारी, और चोट मार के इसी दीवार से एक चोर संभवतः अंदर गया होगा, क्योंकि जगह उतनी बनाई थी उन्होंने 2 फुट, उसमें अंदर गई, सेंध मारी और उसके बाद रेक्टेंगुलर छेद से फिर स्ट्रांग रूम से बाहर आए, और फिर संभवतः ये चारों चोर बिल्कुल उसी रास्ते से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए गए और छत से वापस कूद करके बाहर निकल गए। देखिए कैसे चोर वापस जा रहे हैं, दोबारा छत पे गए जो दरवाज़ा तोड़ा था इन्होंने ऊपर, और उसी दरवाजे से छत के रास्ते से ये सारे चोर बाहर रफू चक्कर माल लेकर के। हैरानी की बात यह है कि इस व्यस्त इलाके में किसी को चोरों की आहट तक नहीं लगी। हथौड़ा लेकर के वो दीवार तोड़ रहे हैं अंदर, किसी को आवाज नहीं है, किसी को कोई आवाज नहीं सुनी, कानों कान खबर नहीं। कितना व्यस्त इलाका, इधर मकान उधर दुकान सब चीज, यहां तक कि एक ये जो पूरी गली है इसमें कई ज्वेलरी की दुकानें हैं और इनका एक कॉमन गार्ड रहता है, घूमता रहता है बाहर, उसको भी कोई हवा नहीं, कुछ पता नहीं। खास बात यह है कि पुलिस के पास इस चोरी से जुड़ी कोई सीसीटीवी तस्वीर भी नहीं है, यानी कि किसी ने लगभग पक्का काम किया है। इस पूरी घटना से एक बात तो साफ लग रही है कि पूरी साजिश में कोई ना कोई ऐसा शख्स शामिल है जो इस ज्वेलरी शॉप के अंदर के पूरे नक्शे से अच्छी तरीके से वाकिफ था और आसपास की इमारतों की छतों में आने जाने के रास्ते को बहुत अच्छे तरीके से समझता। सवाल यह है कि किसी को इस सेंधमारी की भनक क्यों नहीं। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस बाजार में थे। जंगपुरा के जिस ज्वेलरी शोरूम में चोरी हुई उसके सामने काफ़ी व्यस्त इलाका है, सड़क पर दिन के समय आपको बड़ी संख्या में लोग नज़र आएंगे, रात के वक्त भी यहां पर आवाजाही रहती है और बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं। शोरूम के आसपास दुकानें हैं, राइट में ये दुकान चश्मे की है और लेफ्ट में मिठाई की काफ़ी बड़ी दुकान है। अब सवाल ये है कि जब चोर शोरूम के अंदर स्ट्रॉन्ग रूम की दीवार तोड़ रहे थे तो आसपास के लोगों को आवाज़ क्यों नहीं आई। जो आसपास के दुकानदार हैं उनके मुताबिक जो रात के वक्त वो यहाँ पर नहीं थे इसलिए उन्होंने आवाज़ को नहीं सुना। साथ में जो चोर हैं उन्होंने बड़ी चतुराई से स्ट्रॉन्ग रूम की उस दीवार को तोड़ा जो ईंट पत्थर से बनी थी। स्ट्रॉन्ग रूम की 3 दीवारें लोहे की थीं और 1 दीवार जो थी वो ईंट और पत्थर की थी और उन्होंने उसी का चुनाव किया, उसको तोड़ा। अब तक की जांच के हिसाब से जो शक है वो ये है कि जो चोर हैं वो बगल वाली गली के एक मकान के अंदर से दाखिल हुए। मैं आपको मकान दिखाता हूँ, ये जो मकान है ये जीना, ये जो सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जा रही हैं इसी दरवाजे से चोर दाखिल हुए और फिर यहाँ से टॉप फ्लोर पर पहुँचकर उन्होंने जो शोरूम का छत है वहाँ पर पहुँच गए। आमतौर पर ये गेट बंद होता है लेकिन रविवार रात को यहाँ पर रहने वाले कुछ अफगानी नागरिक पार्टी कर रहे थे इसलिए गेट जो है देर रात तक खुला हुआ था और चोर इसी गेट से दाखिल हुए। अब तक की जांच में ये साफ हुआ है जो शोरूम है उसके पीछे कोई गली नहीं है, आसपास सारे मकान जुड़े हुए हैं इसलिए शोरूम की छत पर पहुंचने का ये सबसे आसान रास्ता था और इसीलिए चोर यहाँ से दाखिल हुए। अब तक की जाँच में यही साफ हो रहा है कि हो सकता है कि इस चोरी घटना में शोरूम के कुछ कर्मचारी मिले हों, क्योंकि कहाँ से एंट्री हो सकती है और कैसे स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचा जा सकता है ये केवल अंदर के कर्मचारियों को मालूम होगा। भैया ये संडे रात में क्या हो रहा था, पार्टी है नहीं क्या? कुछ लोग ऊपर गए थे यहाँ से, तो आप देखें कि यहाँ पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस की जाँच में साफ हुआ है कि चोर इसी रास्ते से अंदर दाखिल हुए थे। फिलहाल जाँच जारी है लेकिन 25 करोड़ की चोरी करने वाले चोरों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। नई दिल्ली से कैमरामैन पवन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। शोरूम के मालिक एमके जैन के मुताबिक उन्होंने रविवार रात को शोरूम बंद किया था, फिर सोमवार को बाजार के साप्ताहिक बंद के कारण भी शोरूम बंद था। मंगलवार सुबह जब वो लौटे तो शोरूम के बाहर लगा इलेक्ट्रिक पैनल टूटा हुआ था। जब शोरूम का शटर खोला गया तो अंदर सारे गहने गायब देख करके उनका दिल बैठ गया। हम तो सवेरे 10:30 बजे पता लगा है, आज सवेरे, कल हमारी छुट्टी थी,
आज ना कल परसों इतवार को हम 7:30 बजे दुकान बंद करके गए हैं। कितने की चोरी मानते हैं आप? अब करीब हमारे हिसाब से तो 20 करोड़ रुपए की चोरी है। अब क्या पता कैसे हुआ, हमको क्या पता कहाँ छेद किया, कहाँ छेद किया, कैसे हुआ? स्ट्रॉन्ग रूम में छेद किया है, ऊपर से आए थे क्या? छत से? ऊपर से, छत से। अच्छा, वहाँ भी दीवार में छेद किया है? वहाँ पे ताला तोड़ा, ऊपर दरवाजा लगा हुआ है। अच्छा लाला जी, दीवार कहाँ की तोड़ी सर? दीवार नीचे स्ट्रॉन्ग रूम की। पुलिस के मुताबिक उन्हें संदिग्धों के कुछ सीसीटीवी तस्वीरें मिली और उस आधार पर आगे की जांच चल रही। अभी हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम बुला रखी है, जो हमारी एडवांस फॉरेंसिक टीम है, तो हमने अभी सेफ को खोला नहीं है। अभी सेफ को खोलने के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्ट कितना स्टॉक इनका गया है, लेकिन हाँ, ये एक बर्गलरी हुई है, सेंध काट के बर्गलरी हुई है। शोरूम के पीछे कोई गली नहीं है, जैसे कि अभी मुकेश सेंगर बता रहे थे। सारे मकान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे छज्जे से छज्जा टकराया रहता है मकानों का। ऐसे में चोर कहां से छतों पर चढ़े, क्या इस सेंधमारी में शोरूम का कोई कर्मचारी शामिल है, या फिर इसके पीछे कोई प्रोफेशनल गैंग और चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और उनकी टोली, ये सारी चीजें अब पुलिस के लिए एक गुत्थी बन गई है, क्योंकि दिल्ली के ज्वेल थीफ जो हैं वो आ गए हैं। इस तरीके की उन्होंने चोरी की है, और वो भी एक ऐसे दिल्ली शहर में जहां अभी 2 हफ्ते पहले G20 सम्मेलन हुआ, जिसमें सारा पुलिस बल और तंत्र तैनात था। इतनी सुरक्षा व्यवस्था जो दिल्ली में थी, उसके महज 2 हफ्ते बाद इस तरीके की चोरी, एकदम दिल्ली के हार्ट में पुलिस इस जांच में जुटी हुई।